बजट पेश हो चुका है, वहीं मोटे अनाजों को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला है। इसके अलावा क्या कुछ और है, सीधे जानते हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से। सर, जिस तरह से किसानों को लगातार बढ़ावा देने की बात आप कर रहे थे, लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा, लेकिन क्या कुछ और नया किसानों के लिए है इस बजट में? प्रतिपक्ष सिर्फ राजनीति कर सकता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। केंद्र सरकार का बजट हिंदुस्तान की जनता के लिए बहुत ही उपयोगी बजट है। यह देश के भविष्य की बुनियाद को मजबूत करने वाला बजट है। इस बजट में कृषि के क्षेत्र का, गांव का, गरीब का, महिला का, दलित का, किसान का, आदिवासी का, नौजवान का, सबका ध्यान रखा गया है और सबके लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए। मैं समझता हूँ यह बजट स्वागत योग्य है और प्रतिपक्ष अगर ईमानदार है तो बजट को उसे गंभीरता से देखना चाहिए और सकारात्मक आलोचना करना आवश्यक है तो करनी चाहिए। सर, 20 लाख करोड़ तक का जो ऋण बांटने का आप लोगों ने इस बजट में प्रावधान दिया है, किस तरह से इस टारगेट को अचीव करेंगे? स्वाभाविक रूप से 15 लाख करोड़ रुपया तो अभी किसान के पास है ही। 15 लाख करोड़ को बढ़ाकर हम लोगों ने 20 लाख करोड़ किया है। इससे निश्चित रूप से किसान को ज़्यादा ऋण मिलेगा। ज़्यादा ऋण मिलेगा तो वो अपनी फसल, अपनी खेती और अच्छी कर सकेगा और उपकरण खरीद सकेगा और निश्चित रूप से उसकी उत्पादन बढ़ेगी। उसकी उत्पादन बढ़ेगी तो उसकी माली हालत ठीक होगी, उसकी आमदनी बढ़ेगी। और इसलिए सिर्फ 20 लाख करोड़ ऋण ही नहीं, इसके अलावा भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, चाहे टेक्नोलॉजी के सपोर्ट का मामला हो, चाहे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का मामला हो, चाहे FPO को बढ़ावा देने का मामला हो, चाहे हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने का मामला हो, चाहे मत्स्य पालन को बढ़ावा देने का मामला हो, चाहे मिलेट्स को प्रोत्साहित करने का मामला हो, हर क्षेत्र में बजट में उल्लेख किया गया है और उसको गंभीरता से ध्यान रखा गया। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को, जिनका कहना है कि बजट में किसानों की आमदनी को दोगुनी करने के लिए हर तरह से ध्यान रखा गया है। कैमरा निशांत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, दिल्ली।